विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। वृत्तियां ही इंसान को चला रही हैं। टेंडेंसी वृत्ति, जो जितना ज़्यादा झगड़ा हुआ है वह उतना ही उनके साथ खेलते रहता है। सभी को शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करें। हे परम चेतना, सभी तालमेल में आ जाएं, सभी ईश्वरीय सत्ता के तालमेल में अपने तोलू मन पर विजय प्राप्त करें। तोलू मन पर विजय पाप पुण्य पर विजय है, लाभ हानि पर विजय है, दुख सुख पर विजय है, सम्मान अपमान पर विजय है। सभी सहज मन के साथ जो सशक्ति मन है, जिसकी शक्ति विश्व के सभी मनों से जुड़कर दिव्य योजना के कार्य कर सकती है, डिवाइनली डिजाइन जो प्रोग्राम है हर मनुष्य में काम करे, जैसे हर जीव में काम कर रहा है। हर जानवर हर पौधा अपने डिवाइन प्रोग्रामिंग के अनुसार खुल रहा है, खिल रहा है। मनुष्य भी इसी के साथ तालमेल में आ जाए, प्रेम आनंद मौन में खुले खिले और सभी को प्रेम आनंद बांटे। सभी अपनी शक्तियों को पहचाने, जब इंसान अपनी शक्तियों को जान जाता है तब दूसरों से छीनने का कार्य नहीं करता, दूसरों से ईर्ष्या करके खुद को दुख नहीं पहुंचाता, ईर्ष्या द्वेष घृणा से बीमारियों को आकर्षित नहीं करता। हे परमात्मा, हर मनुष्य से नफरत द्वेष घृणा डर समाप्त हो जाए ताकि सारी बीमारियां समाप्त हो जाएं।
सभी सहज मन के साथ आहार ग्रहण करें, भोजन खाएं, जिससे सभी स्वस्थ रहें। तोलू मन के अनुसार खाया गया अन्न बीमार करता है। स्वाद में अस्वाद में अटका तोलू मन स्वास्थ्य से दूर जाता है। सभी की दिशा युक्त बुद्धि विवेक चेतना पूरी समझ के साथ काम करे, ताकि तोलू मन पर जीत आसानी से मिल पाए। ऐसा संसार जहां तोलू मन का रोल समाप्त हुआ है, उच्चतम विकसित समाज है। सभी सहज सशक्ति मन के साथ एक दूसरे को मदद करें, क्योंकि ऊर्जा भरपूर है, एनर्जी की कमी नहीं है। सभी को मदद करने के बाद भी आपकी ऊर्जा बरकरार है। आप सभी के लिए प्रार्थना करें। जो भी मनुष्य स्वस्थ हुआ है वह प्रार्थना करे, औरों के लिए प्रार्थना करे, सभी को अपने तप का बल प्रदान करे, सभी को आपके स्वास्थ्य का लाभ मिले, सभी को आपके तप का लाभ मिले। सभी के लिए की गई प्रार्थना आपका स्वास्थ्य बढ़ाती है, सहज मन की शक्ति बढ़ाती है, तोलू मन का रोल समाप्त करती है। इसलिए दिल से प्रार्थना करें, अपने शब्दों में प्रार्थना करें। विश्व के सारे लोगों पर शुभ्र प्रकाश इस तरह फैल जाए कि तोलू मन समाप्त हो जाए, कल्लू मन पिघल जाए, रहे केवल सहज मन, दिशायुक्त बुद्धि, शुद्ध इंद्रियां, निर्मल मन, स्वस्थ शरीर। प्रार्थना चलती रहे। अंत में अपने तप का बल, जो बल अर्जित किया है आपने ध्यान से, प्रार्थना से, समझ से, वह
अर्जित बल सबको लाभ दे। इस शुद्ध भाव से तपर्पण करें। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। वृत्तियां ही इंसान को चला रही हैं। टेंडेंसी वृत्ति, जो जितना ज्यादा झगड़ा हुआ है वह उतना ही उनके साथ खेलते रहता है। तो ये वृत्तियां बनी कैसे और कैसे खेल रही हैं, और हम वाकई मुक्ति चाहते हैं, जब ऐसी शुभेच्छा जग जाती है तब कार्य शुरू होता है। वाकई हम यह चाहते हैं कि नहीं, तो इस पंक्ति से और समझ में आएगा। आदमी जो कहता है, आदमी जो बुनता है, जिंदगी भर वे सदाएं पीछा करती हैं। तो ये पंक्तियां कुछ तो सुनी है आपने, उसमें मिसिंग लिंक सरसि ने जोड़ी है। आदमी जो कहता है करता है, जिंदगी भर वे सदाएं, सदाएं यानी पुकारें, जैसे ना कोई पुकार रहा है, आप जा रहे हो अपनी मंजिल की तरफ और वे सदाएं करहाएं, कोई करहा रहा है हमारे पीछे, वे पुकारें पुकार रहा है। तो कैसी यात्रा होगी अगर आपको कोई कंटिन्यूस पुकार रहा है, तब डिस्टर्ब होते रहेंगे। तो इंसान के द्वारा जो कर्म हो जाते हैं, जिंदगी भर उनसे बनी हुई वृत्तियां पीछा करते रहती है, और आप सीख रहे हैं कि कैसे ये सदाएं सदा के लिए समाप्त हो जाए। ये रेखाएं, ये लकीरें सदा के लिए समाप्त हो जाए, क्योंकि लकीरें खींचती रहती है। वैक्यूम क्लीनर आपने ऑन किया तो कैसे खींच रहा होता है, जैसे वो मिट्टी को खींचता है, वैसे ये लकीरें कैसी लकीरें हैं जो आपके अंदर जो होश जग रहा है उसको वो बेहोश कर रही है, खींच रही है, दबाव है। नींद से आप जागना चाहते हो, नींद का दबाव है, तो कैसा महसूस होता है, चाहते हुए भी उठ नहीं पा रहे। तो ये लकीरें एक दबाव का काम करती हैं और इंसान जकड़ा हुआ महसूस करता है। उस यात्रा में जहाँ वो गीत गाते हुए जाना चाहता था, चल अकेला तेरा मेला पीछे छोटा रहा ही, चल अकेला, अभी सब छूट गया है, सबको जाने दिया है, वो खुलकर गीत गाते हुए जाना चाहता था, चला जाता हूँ किसी की धुन में, वो मज़े में जाना चाहता था, मगर सदाएं जो है पीछा कर रही है तो डिस्टर्ब कर लेती है, दूसरी धुन अंदर घुस आती है। तो बीच में जैसे ना गाते गाते कुछ अलग ही धुन आ गई तो पर्सन हड़बड़ा जाता है, तो कोई भी चाहता नहीं ऐसा गाने के बीच में कुछ ऐसा आ जाए, तो पूरी तैयारी करता है, वह प्रिपरेशन करता है, रिपीटेशन करता है कि वो स्मूथ हो। तो आपकी यात्रा स्मूथ हो उसके लिए जो टेंडेंसीज वृत्तियां पीछा कर रही हैं वे कैसे बनी, इसको समझना है। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।